Now we will see what is the status of child sexual abuse in early years education in Pakistan. हमारे यहाँ छोटे बच्चों की तालीम में child abuse का क्या status है इसका? CSS is not only a serious problem in Pakistan, but in increasing on a daily basis. वो कहते हैं serious problem तो है ही, लेकिन ज़्यादा परेशानी और फिकर की बात ये है कि वक्त के साथ साथ ये बढ़ रहा है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्शुअलिटी आर यूजुअली यूजली सीक्रेट एक बात तो ये जैसे हमने अर्ज़ किया कि लोग शर्म की वजह से हया की वजह से जिक्र ही नहीं करते दूसरों के सामने कि उनके बच्चों के साथ कोई इस तरह का मसला हुआ है स्कूल और इदारे भी इन बातों को छुपाते हैं कि जी इसको सीक्रेट रखें ताकि इदारे की बदनामी ना हो दिस टॉपिक इज़ अ सोशल एंड कल्चरल टेबू इन पाकिस्तान तो लोग हर तरह के मसाइल पे बात करेंगे हर तरह की वायलेंस पे भी बात करेंगे और करने को तैयार होंगे लेकिन सेक्शुअल एब्यूज़ पे बात नहीं करेंगे कि इस उनके ख्याल में आ, ये बातें मुनासिब नहीं हैं और मकरबुलखलाक हैं तो किस तरह से वो लोगों के सामने इसका जिक्र करें ओनली दोज इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू द मीडिया विच लीड टू डेथ ओनली और जो एक्सट्रीम केसेस हैं जहाँ पे सेक्शुअल एब्यूज़ की वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है सिर्फ उनको रिपोर्ट किया जाता है तो हमें पता चलता है कि ऐसा भी हो गया वरना बहुत से ऐसे केसेस हैं जो अनरिपोर्टेड जा रहे हैं और अभी तक लोगों को उनके बारे में इल्म नहीं देन आर ऑलवेज अफ्रेड टू आरवे एनी इंसिडेंट और वजह इसकी यही है कि ख़ानदान नहीं चाहते कि लोग उनके बच्चों के बारे में उनके बारे में कोई ऐसी बात कहें कि वो उससे बड़ी अहानत और जिल्लत महसूस करते हैं इन पाकिस्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम इज स्टिल इन डेवलपमेंट फेज एंड देर इज़ नो डेटा बेस टू रिकॉर्डन चूँकि हमने ऐसी रिपोर्ट्स का और ऐसे वाकयात का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा हुआ ना तो तलीमी इदारे इसकी तरफ तोज्जो देते और ना ही दूसरे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारे हैं वो केसेस का अगर मुकम्मल डेटा बेस रखें और उसके बेसिस पे पॉलिसीज बनाई जाएं तो वो ज्यादा फेसिलिटेट कर सकती हैं बच्चों को और वो ज्यादा बच्चों को बचा सकते हैं लेकिन अभी तक कोई कंसोलिडेटेड डेटा जो है वो हमारे पास नहीं है वजह उसकी यह है कि अगर कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारे कोई डेटा संभालते भी हैं तो जो ग्रास रूट से यानी घरों से घर के बाहर से तालीमी इदारों से जो डेटा है वो उन तक नहीं पहुंच पाता जिसकी वजह से वो हकायक पर मबनी नहीं है साहिल एन एन जी ओ वर्किंग विद द इशू ऑफ सी एस ए इन पाकिस्तान एंड रिपोर्टिंग इज इंक्रीजिंग विदेज ऑफ टाइम वो कह रहे हैं ये जो एनजीओ है साहिल इन्होंने बहुत सा डेटा जब इकट्ठा किया लोगों से इंटरव्यूज़ किए और मामलों की हकायक जानने की कोशिश की तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि नबे फ़ीसद जो ऐसे केसेस हैं जो सेक्शल एब्यूज़ के हैं जिसमें बच्चों को शदीद नुकसान पहुँचाया गया वो रिपोर्ट नहीं होते और जो रिपोर्ट होते हैं जैसे हमने अर्ज़ किया वो सिर्फ डेथ केसेज हैं और शायद कोई डेथ केसेस भी ऐसे हों जो ना रिपोर्ट होते हैं अब वो कह रहे हैं कि इसके बावजूद जो केसेस हैं ओरिजिनली वो कम नहीं हो रहे बल्कि उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है शुरू के दिनों में बच्चों को काफी सेफ एनवायरनमेंट था जैसे वो पार्क में जा सकते थे वो दूसरों के साथ किसी भी खुली जगह पर जा सकते थे या खुद से भी अब वो हालात पहले से ज्यादा खतरनाक है और बच्चों को कहीं भी अकेला इस तरह से सर्वेलेंस के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता और जो हमारा मौजू है वो तो सिफर से आठ साल के बच्चे हैं ई के बच्चे हैं अर्ली चाइल्ड हुड अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन के बच्चे चूँकि बड़े वनरेबल हैं तो हम उनको कहीं भी सर्वेलेंस के बगैर नहीं छोड़ सकते अनप्रोटेक्टेड नहीं छोड़ सकते तो हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान की इस तरह की जो सूरत हाल है उसमें कितनी ज़्यादा केयर की और कितनी ज्यादा एहतियात की जरूरत है हमें बच्चों को महफूज रखने के लिए